नमस्कार, मैं हरीश नवल। आज हम लोग बात करेंगे आत्मिक चर्चा में सपने के सत्य के बारे में। सपने सच भी होते हैं, सपने दिवा भी होते हैं, दिन में भी आते हैं, सपने रात में भी आते हैं। मैं आपको संस्मरण के रूप में कुछ बताना चाहूँगा अपनी बात। दोस्तों, मुझे ना बचपन से एक सपना आता था जिसमें मुझे एक तंग सी जगह पर बहुत बड़ी मस्जिद दिखाई देती थी और उसके बाद एक सूखी पहाड़ी नज़र आती थी और लगता था जैसे कोई पहाड़ी से उतरकर मेरी ओर आ रहा है और मेरी नींद टूट जाती थी। ये मैंने पता नहीं कितनी बार सपना देखा और नींद से जागा। और ये अगर आपने जामा मस्जिद देखी होगी या उसका चित्र देखा होगा, दिल्ली की जामा मस्जिद, कुछ लगभग वैसा ही था पर थोड़े छोटे रूप में। बाद में मुझे केवल मस्जिद दिखाई देती और इस सपने वाली मस्जिद का पूरा चित्र मेरी आंखों में कुछ दिन तक बसा रहता। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मैंने उसे कितनी बार देखा होगा, जब तक मैं इतना बड़ा हो गया कि मेरी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई और मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए 22 वर्ष हो गए। तभी एक दिन मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण आया कि मैं उनकी एक कमेटी के द्वारा चुना गया हूँ और वो मुझे किसी पिछड़े इलाके में शिक्षा के प्रसार और पुस्तक के महत्व को बताने के लिए भेजना चाहते हैं तथा मुझे ये भी बताना है कि अब बच्चों को बताने के लिए नए विषय क्या हैं। मैंने स्वीकार कर लिया। मुझे राजस्थान के आदिवासी इलाके शाहबाद में भेजा गया। सर्दियों के बहुत ठंडे दिन थे। मैं सुबह सुबह शाहबाद के एक नन्हे से स्टेशन पर उतरा जहाँ कोई दीवार विवार नहीं थी। मैंने एक लंबा अमेरिकन कोट, जिसे चेस्टर भी कह सकते हैं, पहना हुआ था। मेरे हाथों में VIP का बड़ा सा अटैची केस था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और जो पता मुझे बताया गया था उसके बारे में पूछने लगा। ज्ञात हुआ कि रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर का है। मुझे वहाँ तक जाने के लिए कोई रिक्शा, तांगा, ऐसा कोई साधन नज़र नहीं आया। शायद उस समय था भी नहीं। पैदल जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी पर अटैची केस का वजन मैं इतनी दूर तक नहीं संभाल सकता था। वहाँ कुली की व्यवस्था भी नहीं थी। मैं अटैची का बोझ सहता हुआ गंतव्य की दिशा में चल पड़ा। और आपको क्या बताऊँ, ऐसा पिछड़ा इलाका था कि लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कभी कभी किसी गांव में कोई अंग्रेज पहुंच जाते तो उसको देखते हैं कि ये कौन आ गया, लंबा सा चोगा पहने, कैप शैप लगाए, आपने क्या रखा हुआ है। मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मैंने एक स्थान पर अटैची ज़मीन पर रखी और सुस्ताने लगा। कुछ भूख भी लग रही थी। वहीं सामने एक रेहड़ी पर गुड़ चना रखा हुआ था और रेहड़ी वाला रेहड़ी को साफ कर रहा था। मैंने उससे थोड़ा सा गुड़ और चना खरीदा और मुंह चलाते हुए उससे पूछा कि क्या वह मेरी अटैची को अपनी रेहड़ी पर रख कर मुझे मेरे स्थान तक छोड़ सकता है। उसे मुझसे पूछा कहाँ, तो मैंने उसे पता बताया। तो उसने इस अदा में बताया 20 रुपये कि जैसे मैं उससे कम करवा के 10 या 5 रुपये तक लेके जाऊंगा। 20 रुपये सुनते ही मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने अपना झाड़न छोड़ दिया और मेरी अटैची को रेहड़ी पर रख लिया और मेरे पीछे पीछे रेहड़ी रख कर लेकर चलने लगा। अब मैं थोड़ा शान से चलने लगा कि मेरे हाथ खुल गए थे, बड़ी देर से बंधे हुए थे। गुड़ चना खा रहा था, मस्ती से आगे बढ़ रहा था और मेरी सवारी निकल रही थी। एक पूरा बाज़ार मुझे पार करना था, एक आदिवासी इलाके का वैसा सा बाज़ार। खोमचे लगे हुए थे, दाल पूरी जलेबी भजिया और पकौड़े मुझे परेशान कर रहे थे। सुबह का समय था लेकिन मुझे राजस्थान की धूल का स्वाद लेना था। नेशनल बुक ट्रस्ट के निर्देश के अनुसार मुझे एक ब्लॉक प्रमुख द्वारा मेरा स्वागत भी होना था। मैं दाएं बाएं देखता हुआ कि वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ का जीवन क्या है, वो देखता परखता चल रहा था और वो रेहड़ी मेरे साथ साथ चल रही थी। अचानक मेरी दाईं ओर एक तंग गली आई और मैं ठिठक गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहले भी इसे देखा हो। तो मैंने रेहड़ी वाले को रुकने का संकेत किया और उस गली में प्रवेश कर गया। मुझे सच बताऊं आपको, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ये सब देखा हुआ है। मैं पता नहीं वहाँ कितनी बार आया हूँ। गली के समाप्त होते ही मुझे एक बड़ा अहाता दिखाई दिया जिसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियों वाली मस्जिद थी। जी हाँ, वही मस्जिद जो मुझे बचपन से सपनों में दिखाई देती थी। वह सपने वाली मस्जिद जैसी ही नहीं, बिल्कुल वही थी जिसको मैं खूब पहचानता था। मैं आश्चर्यचकित कुछ देर तक उसे निहारता रहे, ईश्वर कहें या खुदा कहें उनको याद करता रहा
और मैं मुड़ मुड़ करके, जब चल भी पड़ा तो मुड़ मुड़ करके उस मस्जिद की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये मस्जिद मेरे सपनों में कैसे आती रही। जहाँ मुझे ठहराया जाना था वह जगह आ गई। ब्लॉक प्रमुख अभी वहाँ नहीं पहुँचे थे। उनकी ओर से दो व्यक्तियों ने मेरा स्वागत हार पहनाकर भक्ति भाव से किया और मेरी अटैची उतरवा दी। मुझे जहाँ निश्चित किया हुआ था उस बड़े हॉल के एक कोने में स्थापित कर दिया। मैंने मुंह हाथ धोए, कोट उतारा और सुस्ताने लगा। जो सत्कारी गण थे वो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आए, जिसकी मुझे बेहद ज़रूरत थी। थोड़ी देर में ब्लॉक प्रमुख अपने तीन साथियों के साथ पधारी। हाँ, वे महिला थी, मुझे मालूम नहीं था। वे मेरे लिए दाल बाटी और चूरमा लाई थी। खान पान के बाद उन्होंने मुझे आसपास के परिवेश और वातावरण से परिचित करवाया। डेरे के पीछे कुछ दूरी पर एक हरियाली गहरी खाई थी, देख के डर लगता था। बताया गया कि यहाँ भेड़िए गीदड़ जैसे जानवर होते हैं। डेरे के सामने सूखी पहाड़ी थी और उस पर एक मंदिर के खंडहर देखकर मुझे लगा कि ये पहाड़ी भी मैंने पहले कहीं देखी हुई है। पहाड़ी के नीचे हमारे डेरे के ठीक सड़क पार एक बगीचा था, यानी बीच में केवल सड़क थी और उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। सुंदर जगह थी। पार्क और पहाड़ी के बीच जो मैदान था उसमें तंबू गाड़े जाने की क्रिया शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि यही कार्यशाला आयोजित होगी जिसके लिए मुझे बुलाया गया। कार्यशाला में दूर दूर से पैदल साइकिल पर अध्यापक और विद्यार्थी पधारते गए और मैं अपने दायित्व को निभाता रहा। संध्या होने तक यह कार्यशाला चली। आप सोच रहे होंगे कि एक समय पर क्यों नहीं शुरू हुई, क्योंकि वहाँ लोगों को बहुत दूर दूर से आना था, साधन बहुत कम थे, तो इसलिए जहाँ जब जिसको सुविधा हुई वो आ गया तो हम लोग तभी कोई नई नई बात, नए विषय शुरू कर देते थे। हमें बताया गया था कि आपको बहुत से विषय तैयार रखने हैं जो नए विषय हों। अब पुस्तक को लेकर, साहित्य को लेकर, नए विषयों को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई संध्या तक, और शाम होते ही जब तेजी से अपने अपने स्थलों की ओर सब लोग लौटने लगे क्योंकि दूर दूर जाना था। ब्लॉक प्रमुख जो है मुझे और ट्रस्ट के एक अधिकारी को अपने घर भोजन के लिए लिवा कर ले गई। डेरे पर लौटते लौटते रात के 9 बज गए। सर्दी बहुत बढ़ गई थी, उतना प्रकाश नहीं था वहाँ, सब जगह अंधेरा छाया हुआ था, जबकि हमारे डेरे पर ज़रूर एक तेज रोशनी वाली लाइट लगाई हुई थी, सर्च लाइट जैसी थी, और जिसकी तेज रोशनी में सामने वाला बगीचा चमचमा रहा था और जो पहाड़ी थी उसके पीछे वो दिख रही थी और दोनों के बीच में जो एक गुंबद वाला खंडहर था वो भी नज़र आ रहा था। अब देर रात मेरी नींद खुली। मेरी घड़ी में उस समय 2 बजे थे। अब मुझे बाथरूम जाना था। मैं उठा और बाथरूम की ओर बढ़ा और वहाँ कीचड़ भरा पानी बाहर तक फैला हुआ था और दुर्गंध उठ रही थी। तो मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सामने बगीचे में मुझे ऊंचाई पर रखी एक पानी की टंकी नज़र आ गई। मुझे लग गया कि भाई जब वहाँ टंकी है तो इसका मतलब उसके नीचे कोई नल वगैरह ज़रूर होगा और हो सकता है बाथरूम प्रॉपर हो। तो मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने सड़क पार की, बंद बगीचे के गेट तक पहुँचा। गेट पर देखा एक मोटा ताला लगा हुआ है। अब मुझे भीतर जाने की कोई और राह नज़र नहीं आई। अब मैंने ताले को हिला डुला कर खींच खांच कर खोलने की कोशिश की तो ताला खुल गया। गलत बात तो थी लेकिन दोस्तों मैंने की वो। टंकी के नीचे बना बाथरूम बड़ा साफ सा था, लगता था जैसे बहुत कम इस्तेमाल होता है। नल चलाकर देखा, थोड़ी देर गंदला पानी आया, फिर साफ पानी आने लगा। मैं निश्चिंत हो गया। फ्रेश होकर मैं बगीचे के गेट में ताला अटका कर वापिस अपने बिछौने पर सो गया। सुबह के 6 बजे के करीब मैं जागा और अब तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने दोबारा बगीचे का ताला हटाया और निवृत्त होकर के बड़े आराम से आ गया। इसके 2-1 घंटे बाद ब्लॉक प्रमुख अपने सहयोगियों संग बाजरे की रोटियों का नाश्ता लेकर आईं। अभिवादन के बाद उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आपको यहाँ थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, यहाँ बहुत पुराने बाथरूम हैं जिनमें सीलन आती रहती है। अब मैं बड़ा मुदित सा उन्हें नज़र आया और मैंने जवाब दिया, मैंने यहाँ का बाथरूम इस्तेमाल ही नहीं किया। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं फिर कहाँ गया, आसपास तो जंगल है, ऐसे उनके चेहरे पर था। तो मैंने बताया कि मैं 2 बार सामने बगीचे वाले बाथरूम में गया जो साफ था। यह सुनते ही ब्लॉक प्रमुख और उनके सहयोगी बहुत हैरान और परेशान से भी दिखे।
तो मैंने उन्हें बताया बताया कि मैं कैसे ताला खोल खाल कर वहाँ गया और फिर मैंने ताला अटका दिया। ब्लॉक प्रमुख के चेहरे पर मैंने हवाइयाँ उड़ती देखी और उनके साथी भी खुसर पुसर कर रहे थे। मुझे लग गया कि दोस्तों मुझसे कोई अपराध हो गया, तो मैंने स्वर में नरमी भरते हुए और जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया और क्षमा मांगते पूछा कि माफ़ कीजिए, मैंने शायद गलत कर दिया, पर देखिए बहन जी मैंने ताला तोड़ा नहीं था, ताला मैंने थोड़ा सा हिलाया डुलाया तो खुल गया था। कुछ समय तक तो वह मौन व्याप्त रहा, फिर ब्लॉक प्रमुख ने सहमते से बताया, डॉक्टर साहब ये शहर का कोना है, यहाँ दिन में भी बगीचे का ताला तभी खुलता है जब अधिकारियों को यहाँ कुछ खास काम होता है, रात को ताला कभी नहीं खुला क्योंकि यहाँ बहुत आतंक है। जानते किस बात का आतंक है? चांदनी रातों में कभी कभी शेर इस बगीचे में आता है, शेर इस बगीचे में आता है, और आजकल चांदनी रातें ही हैं, इसलिए शेर के डर के मारे हमने डेरे पर बगीचे को रोशन करती सर्च लाइट आपकी कार्यशाला में लगवाई है, अन्यथा यहाँ अंधेरा ही होता है। अब दोस्तों मेरे भयभीत होने की बारी थी, मैं सामने देखूं, वो मुझे दूसरे लोग बताएं कि वो जो पहाड़ी है मंदिर के पीछे से पहले वो ऊपर आता है मंदिर के आगे से, फिर वो शेर धीरे धीरे आता है, और लोग तो डर के मारे घर भर सब बंद रहते हैं, और फिर वो इस वाले पार्क में आके बैठता भी है। मैं डर गया, मुझे तो बगीचे की ओर देखते ही डर लगने लगा। एक कल्पना ने मुझे आशंकित करना आरंभ कर दिया कि यदि कहीं रात को वहाँ शेर आ जाता तो। अब ये वाली जो घटना थी ये बहुत जल्दी पूरे इलाके में फैल गई और लोग जो है वो गुरु जी को देखने आने लगे, तो मैं मान लो प्रदर्शनी की वस्तु हो गया हो कि वो देखें कि ये कौन व्यक्ति है। अब उन्हें तो लग रहा था बड़ा साहसी है, उन्हें क्या पता कि मैं साहसी नहीं था, मुझे तो धक्का दे दिया गया था नदियाँ बचाने के लिए। ये तो बहुत शुक्र है कि मुझे लगा कि मैं तो आज ही निकल जाऊं, रात होगी तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, तो शुक्र है उसी दिन दोपहर को वापसी की ट्रेन जो थी वो मुझे मिल गई, और ट्रेन के चलते ही मेरे दिमाग में मेरे सपनों में देखी गई मस्जिद, वीरान पहाड़ी और किसी का डर होना याद आने लगे। बड़ा अजब रहस्य था कि इसके बाद मुझे कभी भी ये सब सपनों में दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब भी मैं आज इस यात्रा को याद करता हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ, और मैं यहाँ कमरे में अकेला बैठा हूँ, सब तरफ बंद है, लेकिन तब भी मुझे ना भय लग रहा है। अब मैं नहीं जानता इसको हम क्या कहेंगे कि वो मस्जिद वही थी जो मुझे दिखती थी, वो पहाड़ी वही थी जो मुझे दिखती थी, और जो भय का राज्य मेरे मन में स्थापित होता था वो किस प्रकार बाद में हुआ, किंतु मैं कैसे बचा, और कितने आश्चर्य की बात है कि अब वो मुझे फिर उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार। मैं दिल्ली से हरीश नवल, आपका मित्र।